से, जंगलों के इमानों से। नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हम चुचाणा की तहसील में, जो जींद जिले का हल्का है, और यहां पर जो है आज बहुजन समाज के कई संगठनों के पदाधिकारी जो है आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने एक आंदोलन भी किया है और SDM साहब को ज्ञापन भी दिया, और किस मैटर पर दिया हम उनसे बात करेंगे। भाई स्वागत है। आज हाँ, किस मैटर पर आज यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं? सर, ये दिल्ली कस्तूरबा नगर के अंदर दिल्ली कस्तूरबा नगर के अंदर एक सिख लड़की का रेप हुआ जी। अवैध वो लड़की है ना, अवैध जो दिल्ली कस्तूरबा नगर के अंदर अवैध तरीके से शराब का धंधा कर रहे थे, वो लड़की थी पत्रकार जी और सिख कम्युनिटी से थी, और उसका उस लड़की ने ना उन लोगों का वीडियो बनाया। समाज की लड़की को जो है उसका शोषण हुआ था। हाँ जी, तो उसमें आज जो है ज्ञापन दे रहे हो आप? जी सर जी। हम ब्लॉक लेवल के ऊपर SDM साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं जी। जी हाँ, दिल्ली के अंदर एक घटना हुई थी कुछ दिन पहले कि लड़की के साथ जो है उसका शोषण हुआ था, और आपने जो सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी वायरल हुई है, और उसको न्याय दिलवाने के लिए, उसको सही से न्याय दिलवाने के लिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा भी है वहाँ पर ढील बरती गई है, और काफ़ी पूरे देश के अंदर जो है वो न्यूज़ फैल चुकी है, बिल्कुल आग की तरह जो है पूरे देश के अंदर वो न्यूज़ चली है। उस लड़की का जो शोषण हुआ था यहाँ पर भी जी उचाणा के अंदर जो है, यहाँ बहुजन समाज के, जो दलित समाज के जो संगठन है, अलग अलग संगठनों के जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, और उन्होंने उस लड़के को न्याय दिलवाने के लिए, सही से न्याय मिले उस लड़की को, तो यहाँ पर जो SDM साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं। तो यहाँ पर और भी भाई यहाँ पर खड़े, उनसे हम बात करेंगे। अमित है जो काफ़ी बीमारी से है, उनसे हम बात करेंगे। अमित भाई स्वागत है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है भाई साहब, और जय भीम जय भारत। जो दिल्ली के अंदर हमारी बहन के साथ सिख समाज की लड़की थी, जो पत्रकार थी, वो जो लोग वहाँ पर दो नंबर का धंधा, दारू शराब जो भी बेचते थे, उनके खिलाफ उसने पत्रकारिता करी थी, और उन लोगों ने उसके खिलाफ़ बदसलूकी की है। और केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार से हम यही मांग करते हैं, जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और बहन को न्याय दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और पूरी भीम आर्मी टीम वहाँ दिल्ली में जाकर जमेगी, फिर केजरीवाल को संभलना मुश्किल हो जाएगा। और जो ये साथी आए हैं, सभी बहन की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे, और जो साथी यहाँ पर पहुँचे इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही हमारी बहन बेटियों की आवाज़ उठाते रहे। हम बहन को अत्याचार, जो बहनों पे अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं, और इस केजरीवाल सरकार और BJP सरकार से हम बताना चाहते हैं, या तो कानून कार्रवाई करे, नहीं तो फिर हम अपनी कानून कार्रवाई। राहुल आदिवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। भाई आज जो है ज्ञापन दिया गया है SDM साहब को, तो क्या आप कहना चाहोगे? उस लड़की के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, इतना बड़ा शोषण हुआ उसके साथ। देखिए जसवंत भाई, पहले तो आपका चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं, और अभी आपने देखा कि SDM को ज्ञापन सौंपा। SDM ने आश्वासन दिया है कि मैं ऑफिस में जा रहा हूं, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और हमें किया। और वो लड़की पत्रकार थी, एक पत्रकार ही देश के लिए काम करता है, एक सैनिक की तरह काम करता है पत्रकार, और पत्रकार का काम होता है, और पत्रकार के साथ रेप हुआ है, तो हम इस बात की निंदा करते हैं, और SDM से ज्ञापन सौंपा है, और हम आश्वासन देते हैं अगर इस पर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती, तो हम बहुत बड़ा आने वाला बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि हम बता दें, दिल्ली के अंदर एक शोषण हुआ था लड़की के साथ, और अगर इन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है कि यहाँ पर मीडिया के माध्यम से भी इन्होंने कहा कि अगर उसको सही से न्याय नहीं मिला, तो हम देश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे।